रास में बुजुर्ग महिला की हत्या, दो सगे भाई गिरफ्तार। दो नाबालिग को संरक्षण में लिया, गहने और रुपए लूटने के लिए जान से मारा। महिला को मारने में हिट स्प्रे और रस्सी का लिया गया उपयोग। पाली जिले के रास थाना के बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांध कर गला रेत कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों सगे भाई मामले में दो नाबालिगों को पुलिस ने संरक्षण में लिया। आरोपियों ने बुजुर्ग के रुपए और गहने लूटने के लिए हत्या की। पड़ोसी के जागने से वो संदूक में रखे हुए रुपए और गहने नहीं ले पाए और भाग गए। मृतका घर में अकेली ही रहती थी। पाली एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने बताया है कि रास थाना क्षेत्र के रावतों की ढाणी रामपुरा में 13 मई की देर शाम को घर में 65 साल की मैथी देवी रावत का शव पड़ा मिला। शव बरामदे में चारपाई पर रस्से से बंधा था। चोर बुजुर्ग के गले में पहनी सोने की कंठी और बोर्ड लूट कर ले गए। कमरे में रखे संदूक के गहने रुपए चोरी कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी के मकान का दरवाज़ा खुलने से वो डर गए और मौके से भाग निकले। रास एचएचओ ओम प्रकाश कासनिया और उनकी टीम के साथ साइबर सेल की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले में पुलिस ने बालाजी नगर तालाब पायला रास निवासी 24 साल के प्रकाश माली और चिंटू उर्फ महावीर माली को गिरफ्तार किया। हत्याकांड को अंजाम देने में शामिल दो नाबालिगों को भी पुलिस ने संरक्षण में लिया है। आरोपियों को पकड़ने में साइबर सेल प्रभारी गौतम आचार्य की सराहनीय भूमिका रही। महिला को बेहोश करने के लिए हिट स्प्रे, रस्सी और चाकू को साथ लेकर गए। मृतका मैथी देवी के घर रुपए गहने होने की बात चिंटू ने अपने बड़े भाई प्रकाश को बताई तो उन्होंने गहने लूटने के लिए वृद्धा की हत्या की प्लानिंग की। इसमें चिंटू ने अपने दो नाबालिग दोस्तों को भी शामिल किया। वृद्धा गुस्सैल स्वभाव की थी। इसे ही देखते हुए आरोपी प्रकाश वृद्धा को बेहोश करने के लिए स्प्रे, हाथ पांव बांधने के लिए रस्सी और मुंह दबाने के लिए कपड़ा और चाकू भी साथ ले गए। मृतका के पति मांगू सिंह रावत की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वो ब्याज पर रुपए उधार देने का काम करती थी। इसे लेकर बदमाशों की उस पर नजर थी। संदूक से रुपए उधार देते हुए उसमें रुपए और गहने देखकर उनकी नीयत बिगड़ी और वृद्धा की हत्या की साजिश रची ताकि सोने चांदी के गहने रुपए लूट कर वो ले जा सके। नव भारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। जो रावतों की उसमें 13-5 को हमारे पास सूचना आई थी, एक डेड बॉडी जो एक बुजुर्ग महिला है करीब 65 साल उसकी पड़ी है, जिस पर मौका मुआयना किया। उसमें 13 तारीख को FIR दर्ज की। उसमें जो घटना है वो देखने से 12 और 13 की मध्य रात्रि की लग रही थी, जिसमें बुजुर्ग महिला को उसका मुंह पूरा बांध के स्ट्रेंगुलेट किया गया और गले पे भी कट लगाया गया और उसको पूरा काट के साथ बांध के बहुत ही बुरे तरीके से उसकी मर्डर किया गया था। घटना के बाद FIR दर्ज होने के बाद टीमों का गठन किया गया, अलग अलग टीमों का। उसमें अनुसंधान के दौरान टेक्निकली हेल्प से, CCTV कैमरास की हेल्प से और साथ में जो भी रावतों की ढाणी में करीब जो 2 किलोमीटर की परिधि में जितने भी घर आते थे या जिनका आना जाना था, उनके पूछताछ करने के बाद 2 लोगों पे हमें डाउट हुआ, जो कि एक तो था चिंटू उर्फ महावीर पुत्र बस्तीराम और एक उसका ही बड़ा भाई प्रकाश पुत्र बस्तीराम। उन पे डाउट हुआ और कुछ कुछ उनके खिलाफ एविडेंस भी थे, तो उनको जब दस्तयाब किया और सघन उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इस घटना में टोटल 4 लोग थे, 2 तो ये भाई चिंटू उर्फ महावीर पुत्र बस्तीराम और एक प्रकाश पुत्र बस्तीराम और 2 नाबालिग लड़के थे, इनके दोस्त ही थे इनके साथ। तो होती है ये जो मृतका थी वो अकेली थी, निसंतान थी। इसके हस्बैंड की 2020 में कोरोना में डेथ हो गई थी, उसके बाद से ये अकेली थी। इसके पाते जो जमीन आती थी उसमें से करीब इसने 6-7 बीघा जमीन बेची थी, तो लोगों को ये पता था भी इसके पास करीब 30-1 लाख के करीब पैसा आया हुआ है और उस पैसे को कुछ इसने अपने पति के इलाज के उसमें यूज कर लिया, बाकी पैसा इसके स्वयं के पास था और वो रास और अपने गांव में आसपास ब्याज पे पैसे देने लेने का काम करती थी। जो मेन अभियुक्त हैं चिंटू और प्रकाश, इसके जो पिता हैं बस्तीराम, इसका भी इनके साथ पैसों का लेन देन चलता रहता था और करीब आज से 5-6 महीने 7 महीने पहले करीब 1.5 लाख रुपया ये महिला इससे मांगती भी थी, जो इसके बाद में चुका दिया था। अभी 15-20 दिन पहले
बस्ती राम ने एक ट्रैक्टर था जो कि इसने किस्तों पे लिया हुआ था, उसकी 60,000 की किस्त थी। तो इसके पास पैसे कम होने की वजह से ये इस महिला के पास जाता है पैसे के लिए, तो महिला इसको 10,000 से 15,000 रुपया उस समय देती है। जिस समय ये पैसे देती है उस समय इसका छोटा बच्चा जो चिंटू है वो इसके साथ होता है और वो अपने मोबाइल से छोटी सी वीडियो बना लेता है वो कहाँ से पैसा निकाल रही है। और जैसा मैंने बताया भी, लोगों में यूं भी उनको था भी इनके पास पैसा है मृतका के पास, तब वहां से इनके मन में लालच पैदा हुआ क्योंकि पैसों की घर पे आवश्यकता थी ही और साथ में इसके मृतका के पास पैसे भी थे, तो वहां से इन्होंने प्लानिंग चालू की। तो इसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और 12 और 13 की मध्य रात्रि जो वारदात हुई है उससे 4 दिन पहले, ये 13 तारीख को हमारे पास सूचना आई। एक तो इसकी पास हिसाब किताब, एक डायरी लगा रखी है इसने जिसमें हिसाब किताब सभी का रहता है, उसकी हमने लिस्टिंग की भी सभी का, कौन कौन इसमें जिनके साथ लेन देन है। प्लस दूसरा, चूंकि इसके पास अभी भी जमीन पेंडिंग थी तो कुछ जो शक की सुई है इनके परिवार वालों पे भी घूम रही थी, भी हो सकता है परिवार वाले भी शामिल। तो CCTV कैमरास चेक किए, उसके बाद आस पड़ोस से सभी से बातचीत की, पूछताछ की, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं शक हुआ भी ये जो, क्योंकि बस्ती राम और एक इसका सगा भाई और है गौतम, वो लगातार इनके संपर्क में लेडी के काफी ज्यादा करीब रहते थे। जब इनसे हमने आगे पूछताछ की तो उनके बातचीत में विरोधाभास आया, तो उससे हमें शक हुआ। तो आगे हमने अनुसंधान बढ़ाया तो वहां से हमें लीड मिलते मिलते हम इन लड़कों तक इनके पहुंचे। की तरफ से घर में एंटर करते हैं, बाड़ को भी थोड़ा व्यवस्थित करते हैं ताकि वहां से निकलने का रास्ता रहे, और वहां ये देख के आते हैं भी ये किस हालात में कैसे सोती है। उस दिन कुत्ते भौंकने की वजह से वो सिर्फ लोकेशन आइडेंटिफाई करके भी कैसे सोती है, कहाँ सोती है, वो रेकी करके वापस आ जाते हैं। घटना वाले दिन ये वहीं से एक रस्सी खरीदते हैं। दूसरा इनका था भी, चूंकि ये थोड़ी सी महिला जो मृतका है वो तेज स्वभाव की थी, तो इन्होंने इसको बेहोश करने के लिए हिट स्प्रे लिया साथ में, और साथ में एक कपड़ा भी लिया और एक चाकू भी लिया। इस तैयारी के साथ ये वहां पे जाते हैं, वहां पे पहले कपड़े के ऊपर स्प्रे करके उसके मुंह को पूरा बांध देते हैं पूरा अच्छे से, जिससे उसका दम घुट जाता है, और जब वो छटपटाती है तो उसको पूरा खाट के साथ रस्सी के साथ बांध भी देते हैं। और उसके बाद उसके जो माथे का क्या कहते हैं इसको, गोर और गले का छोटा लॉकेट, उसको वो काटते हैं, और वो महिला मृतका की महिला के कमर के पास वो चाबियां रखती थी बांध के, उसको भी काट के वो अंदर वाला रूम भी खोलते हैं। रूम खोलने के बाद वो अंदर जाके पैसों की खोजबीन करते हैं, पर पैसा उनको किसी तरीके से ऐसे मिलता नहीं है जहां पे वो अपेक्षा कर रखी थी। उन्होंने खटखटाता है जिसके बाद ये डर के वहां से भाग जाते हैं, और इनके पास से ये सारी चीजें हमने अभी बरामद कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। और कुल मिला के अनुसंधान में ये मर्डर इन्होंने किया ताकि ये लूट कर सके और पैसा आसानी से ये ले सके। पुलिस कैसे पहुंची सर?